हेलो गाइस, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरे पिछले वीडियो में शेयर को कैसे बाय किया जाता है और कैसे सेल किया जाता है, जीटीटी ऑर्डर कैसे लगाया जाता है, इसके बारे में मैंने नहीं बताया था। इसकी वजह से मैंने इस वीडियो में जीटीटी ऑर्डर कैसे लगाया जाता है, शेयर को कैसे बाय किया जाता है, कैसे सेल किया जाता है, शेयर को बिना बाय किए पहले सेल कैसे किया जाता है इंट्राडे में, वो सब मैंने इस वीडियो में पूरा कवर किया है दोस्तों। इसलिए वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना दोस्तों। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप डीमैट अकाउंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप ग्रो एप्लीकेशन में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है मैंने इसका भी वीडियो बना दिया है, और कैसे उसको यूज किया जाता है, उसका फीचर कैसे यूज किया जाता है, उसका भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से दोनों वीडियो देख कर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपको जीरोधा में डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप जीरोधा में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। दोस्तों, ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आपके फ़ोन में आ जाएगा। जिस कंपनी के शेयर को आप बाय और सेल करना चाहते हैं दोस्तों, उस कंपनी का नाम सिंपल सर्च बॉक्स में इंटर कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं सर्च बॉक्स में टाटा मोटर कंपनी को एंटर कर देता हूं। टाटा मोटर कंपनी को एंटर करने के बाद मैं फिर से यहां पे आप देख सकते हैं टाटा मोटर का इधर नाम आ गया, यहां पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। टाटा मोटर पे सिलेक्ट करने के बाद इस तरह का चार्ट आपके सामने खुल जाता है। अब यहाँ पर आप सेल और बाई, शेयर को सेल और बाई करना चाहते हैं तो आप सेल भी कर सकते हैं, बाई करना चाहें तो बाई भी कर सकते हैं। अगर आपको बाय करने से पहले सेल करना है तो आप पहले सेल भी कर सकते हैं, लेकिन वो इंट्राडे में ही कर सकते हैं, और बाय करना है तो आप बाय डिलीवरी में भी कर सकते हैं और इंट्राडे में भी कर सकते हैं। तो मैं बाय करके दिखाने वाला हूं और सेल करके भी दिखाने वाला हूं। पहले मैं बाय करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको सेल भी करके दिखाऊँगा इंट्राडे में कैसे सेल किया जाता है। बाय पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपको इतना सारा ऑप्शन मिल जाता है। आप यहां पे डिलीवरी देख सकते हैं, डिलीवरी में आप खरीदना चाहें तो आप डिलीवरी में खरीद सकते हैं, इंट्राडे में आप खरीदना चाहें तो इंट्राडे में भी खरीद सकते हैं, आपको इंट्राडे में सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में एनएससी बीएससी अगर आप चेंज करना चाहें तो यहां पे एनएससी और बीएससी भी चेंज कर सकते हैं। आपको मार्केट प्राइस में अगर बाय करना है तो मार्केट प्राइस पर ही बाय कर सकते हैं, और अगर लिमिट सेट करना है तो लिमिट भी सेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बॉक्स बना हुआ है एनएससी में, यहाँ पर आप शेयर की क्वान्टिटी लिख सकते हैं, आपको कितनी क्वांटिटी लेना है यहाँ पे आप उस क्वांटिटी को लिख लेंगे सीधा। उसके बाद में शेयर प्राइस मार्केट के सामने जहाँ एट मार्केट लिखा हुआ है यहाँ पे आप अपना प्राइस सेट करेंगे कि आपको कितने प्राइस में ले। एक क्वांटिटी सिलेक्ट कर लेता हूँ, और मैं एक क्वांटिटी सिलेक्ट करने के बाद मैं प्राइस मार्केट पर नहीं, मैं प्राइस लिमिट पर अपना प्राइस लगा देता हूँ। अभी 465 रुपया 10 पैसा चल रहा है दोस्तों, मैं अभी अपना 465 रुपया पे सेट कर देता हूं। अभी आप यहां पे एड स्टॉप लॉस भी लगाना चाहें तो एड स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। इसकी वजह से मैं यहां पे आपको दिखा देता हूं कि जो 464 रुपया 90 पैसा इसका प्राइस चल रहा है, मैं इधर एक शेयर बाय कर लेता हूं आपके सामने, बाय करके एक शेयर को दिखा देता हूँ। 464 रुपया 90 पैसा पर मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हैं कि मेरा जो ऑर्डर है वो डैशबोर्ड में दिखाई पड़ रहा है, टाटा मोटर का मैंने एक शेयर, आप देख सकते हैं कि मेरा एग्जीक्यूट हो गया है ऑर्डर। अभी यहाँ पे लॉस और प्रॉफिट जो होगा वहाँ पे दिखाई पड़ेगा दोस्तों। अभी देख सकते हैं 15 पैसा मेरा प्रॉफिट चल रहा है, फिर 5 पैसा लॉस चल रहा है, ऐसा ये चलता रहेगा दोस्तों, इंट्राडे में यही होता है। अपने ऑर्डर पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो जैसा देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस, कन्वर्ट टू डिलीवरी, पोजिशन डिटेल, ये आपको सब कुछ दिखाई पड़ेगा। आप चाहे यहाँ से एग्जिट भी कर सकते हैं, आपने बाय किया तो यहाँ पे आप एग्जिट करेंगे तो सेल हो जाएगा। आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो स्टॉप लॉस पे क्लिक करके सिंपल स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। मैं आपको बाय किया हूँ तो मैं आपको सेल करके दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे आप एग्जिट पे ओके कर देंगे, एग्जिट पर ओके करने के बाद फिर आपको यहाँ पर डिलीवरी, इंट्राडे सब कुछ दिखाई पड़ेगा। आपने एक शेयर बाय किया है तो नेट आपको यहाँ पर नेट पोजिशन एक दिखाई पड़ रहा है, तो आप इंट्राडे पर सिलेक्ट करके अपने प्राइस पे जिस पे आप बेचना चाहते हैं वहाँ पे आप प्राइस लिमिट पर, वहाँ पे आप प्राइस लिमिट पर उतना पैसा डाल देंगे और क्वांटिटी से एक सिलेक्ट करके ओके कर देंगे।
जैसा कि देख सकते हैं मैंने कर दिया है। मैंने जहाँ पर प्राइस ऑर्डर लगा रखा है वहाँ तक प्राइस आता है तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ओपन ऑर्डर में मैंने टाटा मोटर का एक ऑर्डर लगा रखा है। यहाँ पे ऑर्डर आप देख सकते हैं कि आपका ऑर्डर यहाँ पे दिखाई पड़ेगा दोस्तों। ऑर्डर मेरा एग्जीक्यूट हो चुका है, जो मैंने शेयर एक बाई किया था वो सेल हो चुका है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि मैंने 15 पैसा इसमें प्रॉफिट दिखा रहा है दोस्तों। मैंने केवल आपको दिखाने के लिए ये शेयर बाई किया था दोस्तों। मैं GTT ऑर्डर कैसे लगाया जाता है अब उसके लगा के मैं ऑर्डर दिखा देता हूँ। टाटा मोटर में GTT ऑर्डर मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ दोस्तों। ये क्या है कि GTT ऑर्डर आप काफ़ी लंबे समय तक लगा सकते हैं। जैसा कि आप एक साल तक GTT ऑर्डर लगा के छोड़ देंगे तो लगा रहेगा। आपका जो लिमिट है शेयर आपने बाइक का जो लिमिट लगा रखा है अगर वो एक साल तक भी लगा रहेगा, अगर वहाँ तक प्राइस जाता है तो आपका शेयर बाई हो जाएगा। GTT ऑर्डर में यही खासियत है कि आप एक बार ऑर्डर लगा देंगे तो वहाँ पे जैसे प्राइस जाएगा तो आपका शेयर बाई हो जाएगा दोस्तों। जैसा कि देख सकते हैं कि मैंने टाटा मोटर का मैं एक ऑर्डर लगा के आपको दिखा देता हूँ। सिंपल आप डिलीवरी पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्वांटिटी जो है NC लिखा है, यहाँ पे क्वांटिटी आपको सिलेक्ट करना है कि कितना क्वांटिटी आपको बाई करना है। उसके बाद में आपको प्राइस लिमिट में अपना प्राइस सेलेक्ट करना है कि कितने प्राइस का किस प्राइस पर आप बाई करना चाहते हैं, वो प्राइस आप इस पर सिंपल लिख लेंगे। जैसे कि मैंने 460 रुपया जहाँ पर लिख दिया है, और यहाँ पे आप लिखने के बाद सीधा बाई पे ओके कर देंगे, आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ऑर्डर प्लेस हो जाने के बाद आपको GTT ऑर्डर यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे आप ओके करेंगे एरो पे, आपको GTT ऑर्डर जो लगा यहाँ पे आपका लगा रहेगा ऑर्डर। जब तक ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा आपका ऑर्डर लगा रहेगा, और ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होते ही आपका ऑर्डर कम्प्लीट हो जाएगा। मैं दोस्तों इसको कैंसिल कर देता हूँ, और मुझे अभी ऑर्डर इसको लगाना नहीं है इसके दोस्तों। मैं इसको कैंसिल करके आप लोग को दिखा देता हूँ, मैंने इसको कैंसिल कर दिया है। अब दोस्तों आप लोगों को मैंने GTT ऑर्डर दिखा दिया है, ऑर्डर कैसे लगाया जाता है। अब मैं शेयर को कैसे सेल किया जाता है, पहले बाई नहीं करते हैं आपको बाई करने से पहले सेल कैसे किया जाता है उसको मैं करके दिखा देता हूँ। तो आप केवल इंट्राडे में कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपने शेयर को पहले सेल कर दिया है तो आपको 3:15 के पहले आपको शेयर को बाई करना पड़ेगा। अगर आपने सेल किया है तो बाई करना पड़ेगा, अगर आपने बाई किया है तो सेल करना पड़ेगा। इंट्राडे का यही रूल है दोस्तों। अगर आप नहीं करते हैं तो आपका ब्रोकर 3:15 के पहले वो एग्जीक्यूट कर देगा, इसकी वजह से आपको चार्ज भी लग सकता है दोस्तों। मैं वेदांता कंपनी के एक शेयर को सेल करके दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर वेदांता लिखते ही वेदांता लिमिटेड आ गया, मैंने उस पर सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर वेदांता कंपनी का चार्ट ओपन हो गया है। अभी इसका प्राइस 261.10-15 चल रहा है। अभी मुझे इसे सेल करने के लिए सेल पे सिंपल क्लिक करना है दोस्तों। मैं यहाँ पे सेल पे क्लिक कर लेता हूँ, और अभी यहाँ पे सेल पे मैंने क्लिक कर लिया। सेल पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे डिलीवरी और इंट्राडे का ऑप्शन आ गया। आप सेल केवल हमेशा डिलीवरी में नहीं कर सकते हैं, हमेशा आप इंट्राडे में ही कर सकते हैं। कभी भी आपको अगर पहले सेल करना है तो आप इंट्राडे में ही कर सकते हैं, अभी मार्केट ओपन होने के बाद, मार्केट क्लोज होने के बाद आप यहाँ पे ऑर्डर भी नहीं लगा सकते दोस्तों। जैसा कि देख सकते हैं मैंने एक ऑर्डर लगा दिया है, मैंने क्वांटिटी एक पे सिलेक्ट कर लिया है। मैं यहाँ पे आपको प्राइस लिमिट सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे भी अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं पहले ही तो यहाँ एड स्टॉप लॉस पर आप सिलेक्ट करके स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। और मैंने यहाँ पर क्वान्टिटी एक सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर प्राइस लिमिट पर अपना प्राइस डाल देता हूँ। प्राइस मैंने डाल दिया है 261 रुपये, और मैं सेल पे सिंपल क्लिक कर देता हूँ। सेल करने के बाद आप देख सकते हैं सेल सक्सेसफुल हो गया है। आप ऑर्डर को डैशबोर्ड में देख सकते हैं, यहाँ पे ऑर्डर लग चुका है, एक शेयर मेरा सेल हो चुका है। यहाँ पे अभी प्रॉफिट और लॉस जो भी है दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। अब मैं दोस्तों यहाँ पर आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर आप वेदांता कंपनी पर क्लिक करने के बाद आप स्टॉप लॉस यहाँ पर अपना पोजिशन सब कुछ देख सकते हैं। और मैंने यहाँ पे इसको सेल किया है, अब मैं बाई करके आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। मैं यहाँ पर ऑर्डर लिमिट में 261.50 रुपये डालकर, और अपना क्वांटिटी जो है एक डाल के, और यहाँ पे मॉडिफाई बाई, यहाँ पे मैं अपना मॉडिफाई बाई पे ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरा जो शेयर मैंने सेल किया था वो बाई हो चुका है। यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं 00 है, मैंने जितने भी बाई किया था, जितने भी मैंने सेल किया था उतने भी मेरा बाई हो गया है, और यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। आज मैंने शेयर को कैसे बाई किया जाता है और कैसे सेल किया जाता है, इंट्राडे में कैसे बाई करने से पहले सेल किया जाता है,
और GTT ऑर्डर कैसे लगाया जाता है, ये सब के बारे में आज हम लोगों ने जाना है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों फाइनली